नमस्कार, वीकेबी न्यूज की खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि हनुमान जी को शिव का 12वां अवतार माना जाता है, और जब शिवसेना ही हनुमान चालीसा को बैन कर दे तो उन्हें शिव भी नहीं बचा सकते। तो उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले एक बड़ा फैसला किया। ये फैसला था औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर करने का। वही देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना अब महज औपचारिकता रह गई है। 288 सीटों वाले विधानसभा में इस वक्त एक सदस्य के निधन के कारण 287 विधायक हैं। इस बीच शिवसेना अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रहे ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे बागी विधायकों को लौटने दें और उनके खिलाफ प्रदर्शन नहीं करें। तो उधर लगभग तय हो गया है कि देवेंद्र फडणवीस कल तक मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। प्रदेश की इन 5 ताजा तरीन खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने बुधवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस बड़ी उठापटक को लेकर अभिनेत्री कंगना रनौत का रिएक्शन सामने आया है। कंगना रनौत ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में कंगना कहती है कि 1975 के बाद ये समय भारत के लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण समय है। साल 1975 में लोग नेता जयप्रकाश नारायण की एक ललकार से सिंहासन की जनता आती है और सिंहासन गिर गए थे। साल 2020 में मैंने कहा था कि लोकतंत्र एक विश्वास है। जो लोग सत्ता के घमंड में आकर जनता का विश्वास तोड़ते हैं तो उनका घमंड टूटना भी निश्चित होता है। ये किसी व्यक्ति की शक्ति नहीं है, ये शक्ति है एक सच्चे चरित्र की। दूसरी बात ये कि हनुमान जी को शिव का 12वां अवतार माना जाता है, और जब शिवसेना ही हनुमान चालीसा को बैन कर दे तो उन्हें शिव भी नहीं बचा सकते। जब पाप बढ़ जाता है तो सर्वनाश होता है और उसके बाद सृजन होता है। हर हर महादेव, जय हिंद। इस पोस्ट पर फैंस भी कंगना रनौत और उद्धव ठाकरे व शिवसेना को लेकर कमेंट्स कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। सभी जानते हैं कि कंगना रनौत और उद्धव ठाकरे सरकार का हमेशा से ही 36 का आंकड़ा रहा है। जब कंगना रनौत के ऑफिस पर बीएमसी ने बुलडोजर चलाया तो कंगना ने उद्धव ठाकरे सरकार को ललकारा था और कहा था कि आज मेरा घर टूटा है, जल्द ही तेरा घर भी टूटेगा। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले एक बड़ा फैसला किया। ये फैसला था औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर करने का। इसके अलावा उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव करने को मंजूरी दी गई। तीसरा नाम बदलने का फैसला नवी मुंबई एयरपोर्ट का लिया गया, जिसका नाम डीबी पाटिल किया गया। जिस उद्धव सरकार पर हिंदुत्व छोड़ने के आरोप लग रहे थे, उन्होंने इस्तीफे से पहले आनन फानन में ये फैसले लिए। दरअसल औरंगाबाद का नाम बदलने के इस फैसले के साथ ही उद्धव ने अपने पिता बाला ठाकरे की इच्छा को भी पूरा कर दिया। 1988 से ही शिवसैनिक औरंगाबाद को संभाजीनगर कहते थे। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कुछ देर पहले ही उद्धव ठाकरे के शहरों और एयरपोर्ट के नाम बदलने के फैसले पर एनसीपी और कांग्रेस के साथ चर्चा हुई। उद्धव ने आखिरी दाव चला ताकि वो ये साबित कर सके कि शिवसेना ने अभी हिंदुत्व नहीं छोड़ा है। औरंगाबाद के पूर्व शिवसेना विधायक ने कहा कि ये ऐतिहासिक दिन है, उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व की ताकत दिखाई है। उद्धव ने शहर का नाम संभाजी के नाम किया है, जो मराठा राजा छत्रपति शिवाजी के बेटे थे। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद अब राज्यपाल के विधानसभा में बहुमत प्रशिक्षण के आदेश का कोई मतलब नहीं रह गया। ऐसे में फडणवीस राज्यपाल से मिलकर राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। चूंकि बीजेपी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है तो फडणवीस के दावे के बाद राज्यपाल उन्हें सरकार बनाने को कह सकते हैं। यानी फडणवीस का राज्य का सीएम बनना अब महज औपचारिकता रह गई है। 228 सीटों वाले विधानसभा के इस वक्त एक सदस्य के निधन के कारण 287 विधायक है। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 144 सीटों का है। बीजेपी के पास 106 विधायक है। शिंदे के समर्थन वाले विधायकों की संख्या 49 है। 12 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी बीजेपी को है। इसके अलावा बीवीए के 3 और एमएनएस के 1 विधायक भी बीजेपी खेमे में है। इस तरह बीजेपी का कुल आंकड़ा 161 पहुंच जाता है। वहीं विपक्ष में शिवसेना के 16, एनसीपी के 53, कांग्रेस के 44, समाजवादी पार्टी के 2 विधायक है। इसके अलावा AIMIM के 2, निर्दलीय 2 विधायक है। यानी विधानसभा का गणित अब पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। अगर शिवसेना का बागी खेमा वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहता है तो बहुमत का आंकड़ा घटकर 124 पर आ जाएगा। उस स्थिति में भी बीजेपी आसानी से बहुमत पा लेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार रात राजभवन में राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अपना इस्तीफा सौंप दिया।
राजभवन के सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल ने ठाकरे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था होने तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहने को कहा। ठाकरे मर्सिडीज कार चलाते हुए राजभवन पहुंचे। ठाकरे के साथ उनके बेटे आदित्य और तेजस के साथ साथ शिवसेना नेता नीलम गोरहे और अरविंद सावंत व अन्य लोग भी थे। ठाकरे रात 11:44 पर राजभवन में राज्यपाल कोश्यारी से मिले। ठाकरे के साथ पहुंचे शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले के राजभवन पहुंचने पर नारेबाजी की। बाद में ठाकरे उपनगरीय बांद्रा स्थित अपने आवास मातोश्री लौट गए। वहीं एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में अधिकतर विधायकों की बगावत का सामना कर रहे ठाकरे ने कहा कि उन्हें अपना पद छोड़ने पर कोई अफसोस नहीं है। शिवसेना अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रहे ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे बागी विधायकों को लौटने दें और उनके खिलाफ प्रदर्शन नहीं करें। हालांकि एहतियात के तौर पर पुलिस प्रशासन सतर्क और सजग है, खासकर मुंबई में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस कल तक मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। फिलहाल भाजपा कोर कमेटी की बैठक फडणवीस के आवास पर चल रही है और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल समेत कई सीनियर लीडर मौके पर पहुंचे हैं। इस बैठक में गिरीश महाजन और महाराष्ट्र के चुनाव प्रभारी सीटी रवि भी शामिल है। दरअसल भाजपा की प्लानिंग यह है कि 1 जुलाई तक ही शपथ का कार्यक्रम पूरा हो जाए, क्योंकि 2 जुलाई से हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। इस मीटिंग में फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल समेत कई सीनियर नेता हिस्सा ले सकते हैं। वहीं शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे ने कहा कि भाजपा के साथ मंत्री पदों को लेकर जो अटकलें लग रही हैं, वे गलत हैं। उन्होंने मराठी में ट्वीट किया कि भाजपा के साथ हमारी कोई भी बात नहीं हो रही है कि किसे कौन सा मंत्री पद मिलेगा, इस बारे में जल्द ही बात होगी। तब तक मंत्रियों की किसी लिस्ट या फिर अफवाहों पर यकीन ना करें। इससे पहले सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली थी कि भाजपा 29 मंत्री पद अपने पास रख सकती है। इसके अलावा 13 मंत्री पद एकनाथ शिंदे गुट को दिए जा सकते हैं। इनमें से 8 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं और 5 लोगों को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। यही नहीं, चर्चा तो एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाए जाने की भी है, लेकिन फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। देश में कोरोना वायरस की चौथी लहर क्या दबे पांव दस्तक दे रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीते काफी दिनों से कोरोना के नए केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। तो बिहार की राजधानी पटना के पौष बाजारों में से एक हथुआ मार्केट में गुरुवार सुबह आग लग गई। वहीं मणिपुर में कई दिनों से जारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है। बुधवार रात नोनी जिले के तुपुल रेलवे स्टेशन के पास हुए लैंडस्लाइड की चपेट में 160 टेरिटोरियल आर्मी का कैंप आ गया। दर्जनों जवान मिट्टी में दब गए। इस बीच आंध्र प्रदेश के सत्यसाई जिले में ऑटो पर हाई टेंशन वायर गिरने से उसमें बैठे 7 मजदूरों की झुलस कर मौत हो गई। तो उधर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में गुरुवार को भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का लोकार्पण किया गया। देश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देश में कोरोना वायरस की चौथी लहर क्या दबे पांव दस्तक दे रही है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीते काफ़ी दिनों से कोरोना के नए केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। यही नहीं, इसके चलते एक्टिव केसों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। गुरुवार को बीते एक दिन में नए केसों का आंकड़ा 18,819 दर्ज किया गया है। इनके साथ ही एक्टिव केसों की संख्या तेजी से बढ़ते हुए 1,04,555 हो गई है। ऐसा करीब 4 महीने के बाद हुआ है जब कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई है। इसके अलावा 130 दिनों के बाद पहली बार नए केसों का आंकड़ा भी 18,000 से ज्यादा आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के मुताबिक अब तक देश में कोरोना संक्रमण के चलते 5,25,116 मौतें हो चुकी है। बीते एक दिन में कोरोना संक्रमण से जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से 17 लोग तो केवल केरल के ही है, वही 7 महाराष्ट्र, 4 यूपी, 3 पंजाब और 2 लोग हरियाणा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के हैं। दरअसल संकट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि रिकवर होने वाले लोगों की संख्या लगातार नए केसों के मुकाबले कम बनी हुई है। इस बीच देश में कोरोना वैक्सीन लगाने का अभियान तेजी से बढ़ रहा है। अब तक देश में 197 करोड़ कोरोना टीका लग चुके हैं। बिहार की राजधानी पटना के पौष बाजारों में से एक हथुआ मार्केट में गुरुवार सुबह आग लग गई। आग ने महंगे ब्रांड की दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 1.5 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास किए।
फायर ब्रिगेड की टीम ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आकाशीय बिजली गिरने की वजह से एक मोटरसाइकिल में आग लगी और फिर कई दुकानों में फैल गई। आग की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। आग इतनी भयावह थी कि उस पर काबू पाने के लिए अग्निशमन दल के जवानों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय लोगों का कहना है कि पटना में कल सुबह मौसम खराब होने की वजह से बिजली कड़क हो रही थी। हतुआ मार्केट में ठनका गिरने से एक मोटरसाइकिल में आग लग गई। इसके पास मौजूद दुकानों में आग पकड़ ली। इसके बाद देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और कई दुकानें इसकी चपेट में आ गई। हालांकि प्रशासनिक और अग्निशमन के अधिकारियों ने आकाशीय बिजली की वजह से आग लगने की बात की पुष्टि नहीं की है। मणिपुर में कई दिनों से जारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है। बुधवार रात नोनी जिले के तुपुल रेलवे स्टेशन के पास हुए लैंडस्लाइड की चपेट में 107 टेरिटोरियल आर्मी का कैंप आ गया। इस हादसे के बाद दर्जनों जवान मिट्टी में दब गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 7 जवानों के शव बाहर निकाले जा चुके हैं, जबकि 13 जवानों को रेस्क्यू कर लिया गया है। वही 30-40 से ज्यादा अभी दबे हुए। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह इसे लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। घायलों की मदद के लिए डॉक्टरों की एक टीम मौके पर रवाना हो गई है। घायलों का इलाज के लिए नोनी आर्मी मेडिकल यूनिट लाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ नागरिकों के भी मलबे में दबे होने की आशंका है। एक अधिकारी का कहना है कि खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू मिशन में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासक ने आसपास के ग्रामीणों को सावधानी बरतने और जल्द से जल्द जगह खाली करने की एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी का कहा गया है कि मलबे की वजह से इजाई नदी ब्लॉक हो गई है। एक ही जगह पर जल भराव के कारण बांध जैसी स्थिति बन गई है। अगर यह टूट गया तो निचले इलाकों में और ज्यादा तबाही मच सकती है। आंध्र प्रदेश के सत्यसाई जिले में गुरुवार को दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक ऑटो पर हाई टेंशन वायर गिरने से उसमें आग लग गई। ऑटो में खेतों में काम करने जा रहे मजदूर बैठे थे। इनमें से 7 की झुलसकर मौत हो गई है, एक की हालत गंभीर है। ड्राइवर और अन्य 5 सवारियों ने ऑटो से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने बताया कि पास के गाँव के किसान ने मजदूरों को बुलाया था। ये सभी एक 7-सीटर ऑटो में बैठकर जा रहे थे। अचानक बिजली का तार गिरा और ऑटो में आग लग गई। आंध्र प्रदेश में ऑटो पर हाई टेंशन लाइन गिरने से 5 लोग जिंदा जल गए। आग इतनी भीषण थी कि इन्हें बचने तक का समय नहीं मिल पाया। तड़ीमारी मंडल के चिल्ला कोडायपल्ली गांव के पास हादसा हुआ। जब पुलिस पहुंची तो 7 लोग जिंदा जल चुके थे। पुलिस के मुताबिक सभी मजबूर थे, खेतों पर काम करने जा रहे थे। लक्ष्मी नाम की एक महिला को बचा लिया गया है, लेकिन उसकी हालत नाजुक है। मरने वाली गुडमपल्ली गांव के रहने वाले बताए जा रहे। ड्राइवर ने कूद कर जान बचाई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने घटना पर दुख जताया है। इन्होंने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। राहत व बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में गुरुवार को भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का लोकार्पण किया गया। गीता संस्थान केंद्र से संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का लोकार्पण किया। इस अवसर पर गीता के श्लोक का उच्चारण भी किया गया। ज्ञानानंद महाराज ने मोहन भागवत को सम्मानित किया। सरसंघ संचालक मोहन भागवत ने संबोधन में कहा कि गीता किसी एक सांप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, जब तक सृष्टि है तब तक गीता की प्रासंगिकता है। गीता जीवन विद्या है, संपूर्ण विश्व से अपना जीवन बनाता है। गीता की आज जरूरत है। सृष्टि में पर्यावरण बिगड़ गया है, जगह जगह कट्टरता है, आपस में द्वेष है, मनुष्य का मन संकुचित हो रहा है। संपूर्ण मानवता की एकता की बात तो करता है, परंतु पड़ोस में ही गुट बना कर लड़ता है। मुझे कुरुक्षेत्र में आने का सौभाग्य मिला। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि हरियाणा हरि का है, हरियाणा देवों की भूमि है, हरियाणा गीता का केंद्र है। कुरुक्षेत्र न केवल देश में नहीं बल्कि दुनिया में मैप के स्थान पर है। भगवान गीता एक मजहब का ग्रंथ नहीं है, पूरे मानव जीवन को संदेश देने वाली गीता है। मानव समाज जब तक रहेगा तब तक गीता रहेगी। गीता ज्ञान संगठन के ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने पूरे विश्व के लिए शांति का उद्देश्य दिया, इसलिए कुरुक्षेत्र की पहचान लैंड ऑफ द भगवद गीता से होनी चाहिए। पाकिस्तान में
में चीन के सुरक्षा गार्डों को तैनात करने के लिए शहबाज सरकार पर बढ़ते दबाव के बीच बैगन के चाणक्य कहे जाने वाले यांग जीजी इस्लामाबाद पहुंचे हैं, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि अगर रूसी राष्ट्रपति एक महिला होते तो कभी रूस यूक्रेन युद्ध नहीं होता। वहीं राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया की हत्या की गूंज विदेश तक पहुंच गई है। नुपुर शर्मा के समर्थन को लेकर भारत में चर्चा में आए नीदरलैंड के सांसद गेट बिल्डर्स ने एक बार फिर से इस घटना को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। इस बीच मंकी पॉक्स वायरस के लगातार बढ़ते मामलों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फिर चिंता जताई है। तो उधर तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान यानी TTP आतंकियों के सरगना मुफ्ती नूर वली महसूद ने पाकिस्तान सरकार को खुली धमकी दी है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पाकिस्तान में चीन के सुरक्षा गार्डों को तैनात करने के लिए शाहबाज सरकार पर बढ़ते दबाव के बीच ड्रैगन के चाणक्य कहे जाने वाले यांग जीईजी इस्लामाबाद पहुंचे हैं। चीन पाकिस्तान में अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए चीनी सुरक्षा कंपनी को तैनात करना चाहता है, जिसका पाकिस्तान का गृह मंत्रालय विरोध कर रहा है। चीन ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बीजिंग दौरे पर इसको लेकर दबाव बनाया था। माना जा रहा है कि यांग जीजी के पाकिस्तान दौरे पर इस पूरे विवाद में बीच का रास्ता निकालने के लिए बातचीत होगी। चीन पाकिस्तान में लगातार अपने नागरिकों की हत्या और पाकिस्तान के उन्हें रोक पाने में असफल रहने से बहुत खफा है। यही वजह है कि चीन अब अपनी खुद की सुरक्षा एजेंसी को CPEC परियोजना और चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए तैनात करना चाहता है। चीन इसके लिए पाकिस्तान पर भारी दबाव बना रहा है, जो उसके कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है। विश्लेषकों का मानना है कि चीन अगर सुरक्षा एजेंसी के नाम पर अपनी सेना को तैनात करता है तो यह पाकिस्तान के संप्रभुता का उल्लंघन होगा। यही वजह है कि पाकिस्तान का गृह मंत्रालय इसका विरोध कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इस्लामाबाद पहुंचे यांग जीईजी ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भट्टो जरदारी से मुलाकात की। बाजवा के साथ बातचीत के दौरान चीनी नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा उठा। पाकिस्तानी सेना ने एक बयान जारी करके कहा कि इस मुलाकात में आपसी हित, रक्षा सहयोग, CPEC में प्रगति और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा हुई है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि अगर रूसी राष्ट्रपति एक महिला होते तो कभी रूस यूक्रेन युद्ध नहीं होता। बोरिस जॉनसन ने कहा कि पुतिन का यूक्रेन पर हमला विषाक्त पुरुषत्व का एक आदर्श उदाहरण है। उन्होंने दुनिया भर में लड़कियों के लिए बेहतर शिक्षा और सत्ता में महिलाओं की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि लोग चाहते हैं कि युद्ध समाप्त हो, लेकिन फिलहाल यह दूर दूर तक खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे शांति की पेशकश नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिमी सहयोगियों को यूक्रेन का समर्थन करना चाहिए ताकि वह मॉस्को के साथ शांति वार्ता संभव होने की स्थिति में सर्वोत्तम संभव रणनीतिक स्थिति में हो सके। बता दें कि विश्व के 7 प्रमुख लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं G7 की वार्षिक बैठक इस वर्ष जर्मनी में आयोजित की गई थी। ये बैठक तब तक हुई जब यूक्रेन पर रूसी हमला लगातार जारी है। इस सम्मेलन में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, कनाडा और जापान के नेताओं ने पहले ही दिन यूक्रेन को समर्थन देने का निश्चय किया था। इसी बीच इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी ने कहा है कि G20 समूह के इस साल के अध्यक्ष इंडोनेशिया ने नवंबर में बाली में होने वाली समूह की बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की व्यक्तिगत मौजूदगी से इनकार किया है। समूह की अध्यक्षता इंडोनेशिया को सौंपे जाने से पहले G20 का अध्यक्ष इटली था। क्रेमलिन की इस घोषणा के बारे में पूछे जाने पर पुतिन सम्मेलन में शामिल होंगे। द्रागी ने कहा कि राष्ट्रपति विडोडो ने इसे खारिज किया है। राजस्थान के उदयपुर के एक दर्जी कन्हैया की हत्या की गूंज विदेश तक पहुंच गई है। नुपुर शर्मा के समर्थन को लेकर भारत में चर्चा में आए नीदरलैंड के सांसद गेट विल्डर ने एक बार फिर से इस घटना को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने इस घटना की कड़े शब्दों में घटना की निंदा करते हुए कहा कि कट्टरवाद, आतंकवाद और जिहादियों से हिंदुत्व को बचाना जरूरी है। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि भारत, मैं आपको एक दोस्त मानकर कह रहा हूँ, असहिष्णुता के प्रति सहिष्णु होना बंद कीजिए। जिहादियों, आतंकवादियों और कट्टरपंथियों से हिंदुत्व की रक्षा कीजिए। इस्लाम का तुष्टीकरण मत कीजिए, नहीं तो आपको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस घटना को लेकर एक के बाद एक उन्होंने कई ट्वीट किए और कहा कि इस हत्या के जवाब में हम सबको एक साथ खड़े होकर नुपुर शर्मा का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि वे हम सभी को नहीं मार सकते। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुओं को ऐसे नेता की जरूरत है जो उनकी शत प्रतिशत रक्षा कर सके।
गिर्ट विल्डर्स ने लिखा है कि भारत में हिंदू सुरक्षित रहे, ये उनका देश है, उनकी मातृभूमि है, ये उनका है। भारत कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। बता दें कि गिर्ट का नीदरलैंड की सियासत में अच्छा खासा प्रभाव है। उनकी राजनीतिक विचारधारा धुर दक्षिण पंथ वाली है। गिर्ट विल्डर्स को उनके बयानों के चलते उन्हें नीदरलैंड का डोनाल्ड ट्रंप भी कहा जाता है। गिर्ट और उनका परिवार साल 2004 से ही पुलिस सुरक्षा में है। उन्होंने एक बार कुरान की तुलना एडोल्फ हिटलर के मीन कॉम्फ से की थी। उन्हें 2014 में एक टेलीविजन भाषण में की गई टिप्पणियों के लिए डच लोगों को मोरक्को के खिलाफ भेदभाव करने के लिए उकसाने का दोषी भी पाया गया था। मंकी पॉक्स वायरस के लगातार बढ़ते मामलों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फिर चिंता जताई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने बताया कि ये वायरस अब 50 से ज्यादा नए देशों में पहचाना गया है और एक उभरता हुआ खतरा बन चुका है। WHO के अनुसार नाइजीरिया में मंकी पॉक्स से पहली मौत की पुष्टि हुई है। इनमें से नाइजीरिया में 41 संक्रमित है। WHO ने ये भी बताया कि पिछले कुछ दिनों में 8 नए देशों में 1,310 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं मंकी पॉक्स के ज्यादातर मामले यूरोप में हैं। ब्रिटेन में 2 मामलों सहित संक्रमित बच्चों की रिपोर्ट की जांच की जा रही है। साथ ही टीकाकरण की गति भी तेज कर दी गई है, मगर यूरोप में इस टीके को केवल वयस्कों में स्मॉल पॉक्स की रोकथाम के लिए इस्तेमाल की अनुमति है, जो मंकी पॉक्स जैसी बीमारी है। रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन में 793, स्पेन में 520, पुर्तगाल में 317, नीदरलैंड में 167, जर्मनी में 521, फ्रांस में 277, अमेरिका में 147 और कनाडा में 210, बेल्जियम में 77, इटली में 85 और स्विट्जरलैंड में 46 मरीज अब तक मंकी पॉक्स संक्रमित मिल चुके हैं। भारत के लिए राहत की बात यह है कि यहाँ अभी मंकी पॉक्स का एक भी मरीज नहीं है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सहित करीब 7 राज्यों से जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल में कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं मिली है। बीते माह स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रत्येक संदिग्ध सैंपल की जीनोम सिक्वेंसिंग कराने का आदेश दिया था। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की लैब में सैंपल भेजने के लिए कहा गया था। 1 मई से 23 जून के बीच 16 सैंपल की जाँच की गई, जिनमें एक भी मंकीपॉक्स संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP आतंकियों के सरगना मुफ्ती नूर वली महसूद ने पाकिस्तान सरकार को खुली धमकी दी है। आतंकी नूर वली ने कहा कि तालिबान की मध्यस्थता से पाकिस्तान से बातचीत चल रही है, लेकिन अगर ये फेल होती है तो हम और ज्यादा हमले करेंगे, हमारा जिहाद जारी रहेगा। महसूद ने पाकिस्तान के उस दावे की भी पोल खोल दी, जिसमें इस्लामाबाद आरोप लगाता रहता है कि भारत इस आतंकी संगठन को पैसा दे रहा है। महसूद ने ये भी कहा कि TTP चीनी नागरिकों पर हमला नहीं किया था। इस तरह के हमले पाकिस्तानी सरकार अपनी जासूसी एजेंसी के जरिए कराती है ताकि चीन का शोषण किया जा सके। ये ठीक उसी तरह है जैसे पाकिस्तान ने अमेरिका का किया था। TTP अपनी जमीन के लिए जंग लड़ रही है और तालिबान के साथ तनाव का कोई सवाल नहीं उठता है। महसूद ने खुलासा किया कि हम पाकिस्तान के कबायली इलाके फाटा को खैबर पख्तूनख्वा से अलग करने की मांग पर डटे हुए हैं। हम फाटा को अलग कर इस पश्तून बहुल इलाके में TTP एक शरिया कानून से शासित इलाका बनाना चाहते हैं, जहां पाकिस्तान सरकार का कोई शासन नहीं होगा। पाकिस्तान सरकार के साथ चल रही बातचीत में अभी कोई सफलता नहीं मिली है। अगर पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत सफल भी हो जाती है तो भी TTP न तो भंग होगा और न ही आत्मसमर्पण करेगा। TTP एक स्वतंत्र आंदोलन है, ये किसी सरकार के नियंत्रण में नहीं है। महसूद ने कहा कि लोकतंत्र इस्लाम विरोधी है और पाकिस्तान की जनता को TTP में शामिल होना चाहिए या हमारी मदद करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण इस्लाम के नाम पर हुआ था। तो VKB न्यूज की खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।